आई एम जयेश गुप्ता। आज हम सुनाने वाले हैं खाटू श्याम जी की स्टोरी। बर्बर ईव थी, वो घटोत्कच के बेटे थे। वो गरीब परिवार से मिले थे। उनकी माता जो थी, उन्होंने उनको ना युद्ध के काबिल करा था। तो बर्बरी ने देवी शक्ति की बहुत तपस्या करी थी। तब 100 साल बाद वो आई थी। उन्होंने उनको 3 बार दिए, जिनमें से वो अपना काम करने के बाद खुद आ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी माता को बोला कि मैं कौरव और पांडवों के युद्ध में जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम तो एक योद्धा हो, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं, बस मैं तुम मेरा एक वरदान पूरा करो, तुम हारने के साइड से ही लड़ना। कृष्णा जी तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब दिख रहा था। उनको पता था कि वो पांडवों की साइड लेंगे तो कौरव हारने लगेंगे, और फिर जब वो उनकी साइड लेंगे तो पांडव हारने लगेंगे। फिर उन्होंने उनको पता था फिर पूरा पांडव और कौरव कोई भी युद्ध नहीं जीतेगा। तो उन्होंने एक धरती पे आके एक साधु का रूप ले लिया था। फिर वो बर्बरी के रास्ते में आ गए और उन्होंने बोला, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरी ने जवाब दिया कि मैं कौरव और पांडवों के रूप में जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा इतनी बारों से, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे है, इनकी कैसी पावर है। फिर उनको पता था लेकिन उन्होंने ना पता कि एक्टिंग करी। उन्होंने बोला, एक बार तो मुझे उस पेड़ की झाड़ियाँ हटा के दिखाओ इन बारों से। वो रुकने का वाले थे, उन्होंने कर दिया उनका काम, लेकिन वो अभी भी उनके पैर के नीचे चक्कर काट रहा था। उन्होंने बोला, आप हट जाइए, आपके पैर में ना चोट लग जाए इससे। तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन ना उनसे ना विश पूरी करने को कहा। उन्होंने बोल दिया, जो आप मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला, तुम अपना मुंह मुझे काट के दे दो। उन्होंने बोला, कौन हो, अपना परिचय दे के। तो उन्होंने अपना असली रूप लिया कृष्णा जी ने, तो वो उनकी जय कर रहे थे। उन्होंने उनकी विश पूरी कर ली और उनकी 2 इच्छा थी उसके बाद करा कि वो अंत तक कौरव और पांडवों का युद्ध देखे। उनसे दूसरा ये वरदान लिया था कि वो उनकी देह को अग्नि दे। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें दोनों वरदान दूंगा, शीशदान के और फिर उन्होंने बर्बरी का नाम रख दिया खाटू श्याम जी। खाटू श्याम की पूजा कलयुग में उनको खाटू श्याम बोला जाएगा
और हाई का सारा बोला जाएगा और उनकी ना बहुत सारे लोग पूजा करने आएंगे। खाटू श्याम जी की जय।